हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सी प्रोग्रामिंग की है। यहां पर देख सकते हैं एरे के इनिशियलाइजेशन को लेकर के जो कंफ्यूजन बरकरार है मन में कि क्या एरे में कर्ली ब्रेसेस भी यूज होता है या नहीं। तो यहां पर देखिए मैंने एरे में कर्ली ब्रेसेस भी यूज किया है। नो डाउट कि यहां पर मैंने एरे बनाया है तो स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज किया है, लेकिन यहां पर कर्ली ब्रेसेस भी यूज किया है। फिर यहां लूप लगाया है, फॉर लूप देख सकते हैं, और फिर यहां पर भी एक लूप लगाया, यानी लूप के अंदर लूप लगाया, नेस्टेड फॉर लूप लगा दिया। ठीक है, बैकस्लैश एन तो आपको पता ही है कि लाइन चेंज करने के लिए बैकस्लैश एन यूज होता है, और टैब लाइक स्पेस देने के लिए बैकस्लैश टी यूज होता है। तो ये सारे प्रोग्राम की सारी चीजें मैंने लिख दी है, और एक बार इसको रन करवाते हैं। तो रन करवाने से पहले, कंपाइल करवाने से पहले इसको सेव करेंगे। तो यहां पर मैं इसको सेव करता हूं इनिशिएट के नाम से, इनिशिएट डॉट सी। ठीक है, ये सेव कर लिया हमने। अब इसको कंपाइल हो जाना चाहिए, कंपाइल भी हो गया। अब यहां पर जाकर के इसको रन करवा देते हैं। तो रन करवाने पे आप देखेंगे ये एक मैट्रिसेस जैसा आपको दिख रहा है, और जो जो चीजें मैंने इसमें दी हैं वो जस्ट लाइक प्रिंट हो रही है। जैसे यहां पर दिया है मैंने 10 के ठीक नीचे है 1 और 40,652 ठीक इसके नीचे है। फिर यहां पर देखिए 23 है, फिर 654 है, फिर यहाँ 22 है, फिर 42 है, 0 है और फिर 0 है। तो बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस में यहां पर भी चीजें प्रिंट हुई है, और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कर्ली ब्रेसेस ही यूज किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि कर्ली ब्रेसेस यूज होता है। ऐसा नहीं है कि कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके।